तो हम लोग अभी वाल्मीकि आश्रम में आए हुए हैं। यही वो जगह है जहाँ वाल्मीकि जी रहा करते थे और यहीं पर धरती चीर के सीता माँ ने अंदर गई थी। धरती के अंदर वाल्मीकि जी यहीं पर रहा करते थे, जो सामने दिख रहा आपको ये घर, इसमें वाल्मीकि जी रहा करते थे। यहाँ भी वाल्मीकि जी रहा करते थे और इसे ये जो सामने दिख रहा आपको ये मुख्य द्वार इसे कहते हैं। वाल्मीकि जी का मुख्य द्वार यही है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ बनाया गया, पहले का बनाया हुआ है जहाँ पे वाल्मीकि जी रहा करते थे। बहुत मतलब अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है, बहुत पुराना है। जो भी घटना यहाँ सब सही है, सच है। जो सामने आपको दिख रहा है यहीं पे सीता माँ ने पाताल के अंदर समाई हुई थी, यही वो जगह है। जो जगह है ये नेपाल में पड़ता है, अगर आपको कभी जाना होगा तो यहाँ पर नेपाल में आप आके यहाँ पर घूम सकते हैं। बिहार के काफ़ी करीब है ये जगह नेपाल, आप यहाँ पर जा सकते हैं। आगे चलिए आपको दिखाते हैं कि मतलब कैसा है यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है अभी। आप देख सकते हैं आप किस तरह से है, मतलब यहाँ का सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रहा अभी, शायद लगता यही है। आगे चल के दिखाएंगे आपको कि लगभग उसका जन्म कहाँ पे हुआ था। आप इसे पढ़ सकते हैं जो लिखा हुआ आपके सामने नीचे में, इसका है जो विष्णु चक्र है। ये जो विष्णु चक्र आप देख रहे हैं बहुत असली लग रहा है, तो बहुत पहले का है, जैसे जैसा था वैसा ही है, इसे कुछ किया नहीं गया है अभी तक। और आप जो ये देख रहे हैं यहाँ पर लव और कुश का जन्म हुआ था, यही वो जगह स्थान है। इसे कुछ मतलब कि किसी तरह से मतलब बनाया नहीं गया, जैसा था वैसा ही है। सब जैसे पढ़ सकते हैं आप देखिए वहाँ पर लव कुश का जन्म यहीं हुआ था। इस जगह पर ज़्यादा कोई घूमने के लिए नहीं आता क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं है, ना अच्छी तरह से बनाया गया है, इसी वजह से शायद कोई नहीं आता घूमने के लिए। पर यह बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर पहले काफ़ी जंगल हुआ करती थी, जैसे देख रहे हैं आप कि पहले तो और घना होगा ये जंगल, बहुत सुंदर। ये देखिए यहाँ पे सिलोट रखा हुआ है, यहाँ पे मतलब कि सीता माँ मसाला पीसती हुई खाना बनाने के लिए। अब वहाँ लिखा हुआ आप पढ़ सकते हो उसे। बिहार में अभी भी ये सिलोट यूज़ किया जाता है, बहुत कुछ किसी के पास है, अब तो नया आ गया है सब मशीन लेता है, लेकिन अभी भी बिहार में इस सिलोट को यूज़ किया जाता है मसाला पीसने के लिए। ये सामने दिख रहा आपको ये अमृत कुआँ, पहले मतलब कि जैसा पहले था वैसा ही है, कुछ डिजाइन नहीं किया, जैसे इतिहास सब कुछ ऐतिहासिक यहाँ पे बनाया गया, जो 3rd year में वही अभी भी है, कुछ डिजाइन नहीं किया गया अलग से। ये जो आपको दिख रहा कुट्टी जो रखा हुआ है, यहाँ पर लव अपने घोड़े को बांधा करते थे, यही वो जगह है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं। ये जो खम्बा देख रहे हैं आप, ये जो खम्बा ये रियल है, जैसा रखा हुआ था वैसा ही है, इसे मतलब कि हटाया नहीं गया, ना चेंज किया गया, कुछ भी नहीं किया गया। ये जो स्थान है यहाँ पर लव कुश का मतलब पाठशाला था, यहाँ पे पहले यहीं पे उसे पढ़ाया जाता था। यहाँ पे ये स्थान वही है जहाँ पे लव कुश को वाल्मीकि जी ज्ञान दिया करते थे, पढ़ाया करते थे, यही वो जगह है। इसके पीछे देखिए बहुत जंगल है और गड्ढा भी बहुत है और घना भी है, जैसे देख सकते हैं आप, इसमें दिखाई दे रहा होगा आपको। अगर आपको कभी घूमने की इच्छा हो तो कभी इधर आप आ सकते हैं, बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर बहुत छाँव रहता है। इस जंगल को देखने के लिए मतलब कि देख रेख के लिए यहाँ पे बिहार और नेपाल के पुलिस यहाँ पे मौजूद किया गया है देख रेख के लिए, वही दोनों के यहाँ पे कैंप लगाया गया ताकि यहाँ पे नेपाल और बिहार सरकार के जो गार्ड है पुलिस, वो लोग यहाँ मतलब कि पहरा दे सके, वही कैंप लगा हुआ इधर में। ये जो देख रहे हैं यही वो जगह जहाँ पे वाल्मीकि जी योग किया करते थे, यही वो जगह है। यहाँ पे ऐसे भी कोई मंदिर नहीं बनाया गया, और यही वो जगह है जहाँ पर सीता माँ कंदमूल खाया करती थी, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं इसे। इस आश्रम के पहले पुजारी थे जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनका स्मारक यहीं पे बनाया गया है। ये जो बनाया हुआ है उन्हीं का, यहाँ का पहला पुजारी सबसे पहले थे उन्हीं का। जंगल इतना यहाँ पे, जब पहले सीता माँ रहती होगी तो यहाँ पे सच में बहुत कुछ यहाँ पे मिलता होगा, फल वगैरह वगैरह सब होगा। यहाँ पे ऐसे कुछ मंदिर वंदिर नहीं बनाया गया, जैसा था वैसा ही है। ये शंकर भगवान का जटा प्राचीन मंदिर है, इसके अंदर देखिए क्या क्या दिखने के लिए मिलता है आप लोग को। ये जो सामने आपको दिख रहा है ये शंकर भगवान का जटा मंदिर है, यही है जो आपको सामने सीधे में दिख रहा होगा।
यहाँ कुछ डेवलपमेंट नहीं किया गया, कुछ अच्छी तरह से बनाया नहीं गया घूमने लायक जगह।